चाललेली आहे, दिल्लीला हायकमांड आहेत, ते या संदर्भामध्ये लक्ष घालून आहेत. मला वाटतं लवकरच हा प्रश्न सुटेल. ठीक आहे, प्रत्येकाची मागणी जास्तीत जास्त असेल जागे ती असलीच पाहिजे, साहजिक आहे, पण अगदी वस्तुस्थितीला धरून त्या ठिकाणी निर्णय केला जाईल. कोणाला किती जागा घ्यायच्या आहेत, कोणाला काय पाहिजे, इथे तिन्ही आमचे नेते ठरवतील. त्यानंतर वरती हायकमांड आहेत, त्यांच्याकडे हा प्रश्न मला वाटतं सुटेल. पण आमच्यामध्ये कुठेही वादविवाद नाही आहेत, कुठे फार ओढाताण नाही आहे, आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीमध्ये तर आम्ही कोणी क्लेम करत नाही आहे. मुख्यमंत्री कोणाचं होणार, काय होणार, ते आमच्या हायकमांडच त्या ठिकाणी तिन्ही आमच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन ते ठरवते. ते मुझे लगता है अभी ये शुरुआत है, कल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आज का सकल डेट इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर की है. मुझे लगता है 2-4-5 दिन में, 1 सप्ताह में सभी बातें सामने आएगी. ये तो 3 पार्टी हमारी है, बाकी हमारे मित्र पक्ष अनायस भी हमारे साथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा तनाव हम लोगों के बीच में नहीं है, ज़्यादा खींचातानी हम लोगों में नहीं है. महायुति की तरफ से तो बहुत ही जल्द हमारी यादें सामने आ जाएगी, और किसके हिस्से पे कितनी सीट है वो भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्द ही सामने आ जाएगी. उसमें उन्होंने कहा लाडली बहन बंद करना चाहिए, सरकार के पास पैसा नहीं है, कांग्रेस के कुछ लोग कोर्ट में भी गए, उद्धव जी ने भी कुछ लोगों को कोर्ट में भेजा है. अभी ये लाडली बहन योजना जो गरीब के हित में है, महिलाओं के हित में है, वो बंद करना चाहते हैं. ये बात तो बिल्कुल सही है. किसानों को हम इलेक्ट्रिक पंप दे, मतलब इलेक्ट्रिक बिल में हमने माफ़ी दे दी है 7.5 हज़ार तक. उनको हम सोलर पंप दे रहे हैं फ्री में, वो भी उनको योजना बंद करनी है. अभी उनको डर लग रहा है कि इस योजना के कारण शायद हमें अब कोई वोट नहीं देगा, हमारी बहनें नहीं देगी, किसान नहीं देगा, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो एजुकेटेड है उनके लिए स्कीम निकाली है, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हमने किया है, हायर एजुकेशन. तो ये सभी स्कीम को देख कर उन्हें से लगता है कि भी हमें वोट कौन डालेगा, इसलिए वो कह रहे हैं बेचारे बार बार की योजना हमें बंद करनी है, बंद करनी है.